वर्तमान समय में एक बड़ी भारी परिस्थिति पर्यावरण के प्रतिकूल होने लग रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रयास चल रहा है, आंदोलन चल रहा है नोखा तहसील में, अरकोला तहसील में नोखा दैया नाम करके गांव है। उस ग्राम के अंदर जितनी भी जमीन थी सब कंपनी वालों ने खरीद ली और बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों को कटाई हो रही है। मैं देख के आया हूँ, बहुत से पेड़ कट चुके हैं और बचे कुचे पेड़ भी काटने की ताकत में है लोग। इसलिए समाज ने एक अभियान चला रखा है कि पेड़ बचाओ। सरकार कह रही है कि पेड़ लगाओ और समाज कह रही है पेड़ बचाओ। सरकार पेड़ लगा रही, वो पेड़ कब पनपेंगे, कब बड़े होंगे, क्या उनका रिजल्ट निकलेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ है जी, जो खेजड़ियों के पेड़ है। वर्तमान समय में खेजड़ियों पर बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि खेजड़ी की लकड़ी लोगों को काम आ रही है और खेजड़ी काट करके प्लांट लगाया जा रहा है, उससे पर्यावरण बड़ा प्रदूषित होता है और पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा, बंद नहीं रहेंगे तो लोग जिंदे नहीं रह पाएंगे। लोगों को जिंदा रखने के लिए पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है, जिसमें खेजड़ी को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जंगल में भी बिना पानी 20 वर्ष भी अकाल पड़े तो भी हरी रह सकती है और जेठ के महीने फल दे सकती है। इसलिए खेजड़ी सब पेड़ों में सर्वोपरि के पेड़ है। इसलिए खेजड़ी को बचाने के लिए समाज आंदोलन चला रहा है। विष्णु समाज के साथ में और समाज भी बहुत मिल चुकी है और एक अभियान चला रखा है। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करके एक मीटिंग रखी है मुकाम में 25 तारीख को लगभग 12 बजे महासभा के ऑफिस में। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने घर का काम छोड़ करके, निजी काम को छोड़ करके और समाज हित में, पर्यावरण हित में, देश हित में समय निकाल करके मुकाम पधारे और यह एक ऐसा निर्णय लो कि सरकार ऐसा कानून बनाए जो खेजड़ी के पेड़ को या हरे पेड़ को कोई काटता है उसको लाखों रुपए का जुर्माना देना पड़े तो पेड़ बच सकता है, नहीं तो पेड़ बचना बहुत मुश्किल है। सभी हम लोग प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तब फल मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं तो स्वार्थ के लिए इस मिल जाते हैं, कोई पार्टियों में बढ़ जाते हैं, कोई जाति में बढ़ जाता है और पार्टी और जाति में बढ़ते रहोगे पेड़ कट जाएगा, नंगी धरती पर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जिंदा रहना चाहते हो तो पेड़ों को बचाओ और सभी आंदोलन में शामिल होकर के आंदोलन को सफल बनाओ, ये मेरा निवेदन है। 25 तारीख को आप जरूर से जरूर भाई बंधुओं के सहित, अपने इतर इष्ट मित्रों के सहित मुकाम पधार करके इस आंदोलन को सफल बनाए और इसको निर्णय करें। यहाँ दिल्ली तक जाना पड़े तो भी हम जाएंगे, सरकार से मांग रखेंगे। हमारी कोई नौकरी की मांग नहीं है, हमारी कोई तिनका बढ़ाने की मांग नहीं है, सिर्फ प्रकृति को बचाना ही हमारी मांग है। इसलिए प्रकृति को बचाने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ये एक देश हित में, समाज हित में, प्रकृति हित में, मानव हित में, प्राणी मात्र के हित में ये काम है। इसलिए सभी इसको सफल बनाने की कोशिश करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।